वेलकम टू उका गुरु 786। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के अंदर। बहुत टाइम बाद आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है माया पिटाइट हुक्का। आज माया पिटाइट हुक्का का खुलासा करने वाले इस वीडियो के अंदर कि मार्केट में जो बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज आ गई हैं और ओरिजिनल आ गया है, तो उसके अंदर कैसे आपको पहचान होगी उसकी। तो ये टॉपिक उसी के ऊपर है, माया पिटाइट का खुलासा ओरिजिनल और डुप्लीकेट पहचानने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सस्ते से सस्ता हुक्का, मतलब माया पिटाइट का चीपेस्ट हुक्का आया कॉपी के अंदर, जो आपको मैं पूरी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले इन हुक्के को मैं साइड कर देता हूँ और इसको आपको करके दिखाता हूँ पूरी अनबॉक्सिंग कि इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे कैसे इसमें सब कुछ मिलता है। सबसे पहले तो इसमें मिलती है आपको ये स्टेनलेस स्टील प्लेट जो बहुत हल्की क्वालिटी की है, और इसमें आपको मिलता है ये पाइप। पाइप का कलर, पाइप की क्वालिटी आपको पूरी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। ये देखिए कुछ इस टाइप की पाइप होगी, लेंथ भी इसकी छोटी है और पाइप भी बहुत हल्की क्वालिटी की है। आप इसको हैंडल देख के आपको पता चल रहा होगा, इनकी आप हैंडल भी देख सकते हैं, कुछ इस टाइप के हैंडल मिलेंगे। मतलब ओरिजिनल और डुप्लीकेट में बहुत सी फ़र्क आ चुका है और मार्केट में लोगों को बहुत सारे ओरिजिनल बेच के बोलते हैं भैया ये ओरिजिनल मिल जाएगा, बट जो चीज़ वो आपको क्वालिटी देते हैं वो कॉपी देते हैं रिटेल वाले बंदे। ये आपको मिलती है सेरेमिक चिलम, देख सकते हैं इसकी क्वालिटी देखिए, बिल्कुल चीपेस्ट क्वालिटी है ये माया पिटाइट हुक्के की। और इसका डिज़ाइन भी आप बोलेंगे कि इसमें डिज़ाइन भी अलग है थोड़ा बहुत। ये देखिए इस बॉक्स को हम रख देते हैं साइड में यहाँ पे, और देखिए ये कुछ इस टाइप का माया पिटाइट की कॉपी है। ये देखिए इसका डिज़ाइन देखिए, स्टैम का पूरा डिज़ाइन चेंज कर दिया है और नोज़ल काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दिए पहली बार इन्होंने माया पिटाइट में, जो ओरिजिनल को डुप्लीकेट में पहचान भी ना पाए बंदा। इसके नीचे मगर आपका कोई भी पेटेंट नंबर नहीं है, मतलब बार कोड भी कोई भी नहीं है, स्टैम्प पे भी नहीं है ना आपका नीचे बेस पे है, सिर्फ माया है। और जो इसका पेंट हो रखा है ये कुछ टाइम बाद इसका रिमूव हो जाएगा, पूरा का पूरा पेंट उतर जाएगा। ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप की क्वालिटी है। और आपको दिखाया तो मैं दूसरा मॉडल लेके आता हूँ, इसकी प्लेट लगा देते हैं मैं यहाँ पे, और ये इसका लग गया चिलम, और ये इसकी रख देते पाइप साइड में। आपको दिखाते हैं इसकी सेकंड क्वालिटी ये है, देख सकते हैं माया का पूरा सेम टू सेम बॉक्स ला दिया जो आपका फर्स्ट पहले ही पैकिंग में आता था। ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट, ये पहले इस टाइप का बॉक्स आता था ओरिजिनल के अंदर, अब इसकी पैकिंग को चेंज करना पड़ गया, माया ने चेंज कर दिया ताकि ये ओरिजिनल के नाम से जाना जाए। अब आपको जिसने भी ख़रीदना है वो इस टाइप की पैकिंग खरीदेगा। अगर किसी के पास पुराना माल पड़ा है किसी होलसेल या रिटेलर के पास तो आप ये ख़रीद सकते हैं, बट उसमें आप चेक करिए कि उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, वो मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा एंड तक। देखिए ये आपको सेकंड कॉपी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसका बॉक्स की थोड़ी क्वालिटी देख सकते हैं आप, साइड से बेंड हो रखी है, मतलब काफ़ी हल्की क्वालिटी में बनाया गया ये बॉक्स। और इसमें आपको मिलने वाला है सेम सब कुछ चीज़ें, बट कुछ कुछ चीज़ें इनमें नहीं मिलेगी आपको, मैं वो भी बताऊँगा। जैसे कि इसमें आपको टोंग नहीं मिलेगा, मतलब टोंग मीन्स चिमटा नहीं मिलेगा इसके साथ आपको हुक्के के साथ, क्योंकि ये कुछ इस टाइप की बॉक्स पैकिंग में हुक्का आया था, देख सकते हैं। और आपको जो सेकंड कॉपी दिखा रहा हूँ उसमें आपको ये प्लेट मिल रही है बट ये भी हल्की क्वालिटी की है, आप वॉइस देख सकते हैं कैसी इसकी वॉइस आ रही है। और इसके साथ ये देखिए रबड़ देखिए, इनकी सबसे बड़ी बात है रबड़ भी की आप क्वालिटी देखिए, काफ़ी हल्की क्वालिटी का रबड़ है। और ये आप देखिए चिलम की क्वालिटी, जिसका मतलब पूरा का पूरा पेंट देख सकते हैं, पेंट भी ओड़ा पड़ा, मतलब हल्की क्वालिटी आप देख सकते हैं। सेकंड कॉपी के अंदर भी ऐसा माल दिखा रहे हैं, इसकी पाइप को थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करी सेकंड कॉपी में, ये देख सकते हैं आप इनके हैंडल को देखिए, और इन्होंने सेकंड कॉपी में थोड़ी इसकी लेंथ भी बढ़ा दी, ये देख सकते हैं पाइप की लेंथ थोड़ी बढ़ चुकी है, सब पे माया प्रिंट हो रखा है, बट आपको क्वालिटी इनके अंदर क्या होता है, नकली स्प्रिंग डाली होती है और लेदर चढ़ा दी होती है। आपको मैं इनके प्राइस नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, मैं प्राइस आपको किसी की नहीं बता सकता क्योंकि माया की कंपनी क्या है प्राइस को नहीं मेंशन करने देती, अगर हम प्राइस मेंशन करेंगे बताएंगे तो हमारी वीडियो को रिमूव कर दिया जाएगा। और ये हम रख देते हैं इसकी पॉलिथीन नीचे। इसमें आप देखिए ये माया की क्वालिटी का कलर देखिए, सबसे बड़ी बात ये ट्रांसपेरेंट कलर के अंदर इन्होंने बना दिया माया की सेकंड कॉपी को। इसकी नोज़ल देखिए और इसकी नोज़ल देखिए आप, इन दोनों की नोज़ल को आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल को कॉपी करके इसकी नोज़ल अच्छी करी, और इसमें हुक्के के अंदर इन्होंने पाइप की क्वालिटी अच्छी करने की कोशिश करी।
बट नोज़ल देखिए काफ़ी हल्की क्वालिटी है, और जैसे ये आपकी कुछ टाइम बाद जैसे टूट भी जाएगी क्योंकि ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी में नहीं है, प्लास्टिक क्वालिटी के अंदर नोज़ल दिखाई गई है। स्टेम देखिए माया का सिर्फ आपका कोई भी ब्रांड नहीं हो रखा, ना बारकोड है, बस इसके नीचे आपका माया का हल्का सा प्रिंट दे दिया, कुछ भी नहीं है सुखिए के अंदर, नॉर्मली ये हल्का क्वालिटी का हुक्का है। इसको भी हम आपको साइड में रख के दिखा देते हैं, ये देखिए ये हो गया आपका सेकंड क्वालिटी हुक्का। इसमें आपको ये बॉक्स रख देते हैं साइड में, हम आपको बाद में सब कुछ दिखाएंगे। और चलते हैं आपका थर्ड क्वालिटी का हुक्का, माया पिराइड हुक्का थर्ड कॉपी। ये पाइप भी हम रख देते हैं साइड में, आपको सब कुछ बाद में दिखाते हैं। ये थर्ड क्वालिटी का हुक्का है, ये देखिए आजकल इनको बोल के ही बेचा जाता है माया की फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज एंड फोर्थ सीरीज के नाम से। सीरीज इन द सेंस कि आपकी जो फोर्थ क्वालिटी है बिल्कुल चीपेस्ट है, फर्स्ट ओरिजिनल होता है, तो वो इस टाइप की बॉक्स पैकिंग में आएगा, जिसकी मैं एंड में आपको पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं प्लेट की क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर दी फर्स्ट कॉपी के अंदर, एंड इसकी चिलम क्वालिटी को भी अच्छा बना दिया इन्होंने, थोड़ा सा बस पेंट इसका हल्का कम हो रखा हुआ है, और देख सकते हैं क्वालिटी अच्छी करी सेकंड कॉपी के अंदर। सेकंड कॉपी के अंदर आपकी पाइप की क्वालिटी को थोड़ा सा वापस से हल्का कर दिया, देख सकते हैं लेंथ थोड़ी सी छोटी कर दी इसकी, पाइप के जो हैंडल्स हैं थोड़े से छोटे हो गए हैं, ये देख सकते हैं पाइप कुछ इस टाइप की होगी। इसकी पॉलीथिन हम रख देते नीचे, और इसके बेस की बात करते हैं तो माया पिटाइट ने बेस की क्वालिटी को अच्छा करा फर्स्ट कॉपी के अंदर, जो सेकंड कॉपी में क्वालिटी थी वो बेकार है, थर्ड क्वालिटी में आपकी स्टेम की क्वालिटी अच्छी थी, बाकी चीज़ बेकार है। सेकंड कॉपी के अंदर आपका पेंट थोड़ा अच्छा करा है, इन्होंने माया का प्रिंट कर दिया, माया की सेम नोज़ल बना दी, एंड इसका रबड़ भी क्वालिटी अच्छी कर दी, देख सकते हैं। बस जो माया के पिटाइट के नीचे आपका पेटेंट नंबर लिखा होता है वो नहीं है, इसमें भी सिर्फ माया प्रिंट हो रखा है, अगर आपको वीडियो में दिखता हो तो। और माया का ये आपका यहाँ पे लोगो लगा दिया, क्वालिटी अच्छी करी, बट लाइट वेट हुक्का है ये माया पिटाइट फर्स्ट कॉपी का। प्लेट की क्वालिटी देखिए अच्छी कर दी इन्होंने, और इसकी जो रबड़ की क्वालिटी आपको मैंने बताई है, तो चिलम रबड़ एंड ये और पाइप रबड़ दोनों की क्वालिटी अच्छी कर दी फर्स्ट कॉपी के अंदर। बट ओरिजिनल में आपको खासियत बताऊंगा कि क्या क्या मिल रहा है उसमें, क्या क्या सेटअप है। इसकी नोज़ल की क्वालिटी जो चिलम की नोज़ल होती है वो थोड़ी लंबी कर दी है, और देख सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप का बेस होगा। क्वालिटी अच्छी है नो डाउट, आप इसको ख़रीद सकते हैं, बस फोर्थ क्वालिटी और थर्ड क्वालिटी को थोड़ा कम खरीदिए क्योंकि उसमें स्मोक की आपकी डेंसिटी कम होगी। इसका बॉक्स रख देते हैं हम नीचे, और इसके पाइप को भी हम देखिए साइड रख देते हैं, आप देख सकते हैं एक बार। आ गया हमारा ओरिजिनल माया पिटाइट हुक्का, पूरी अनबॉक्सिंग में देखिए क्या क्या मिलने वाला है, आराम से फोकस करना एक सेकंड वीडियो को। ये आपकी पूरी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, माया की पाइप की क्वालिटी देख सकते हैं और लेंथ देख सकते हैं आप वीडियो में देख रहे हो, मतलब आपकी 5.5 फीट की ये पाइप कर दी है। माया की पाइप की नोज़ल देख सकते हैं आप, ये आपकी एक तरह मैट पेंट होता है, उसमें क्या होता है आपकी शाइन मार रहा होता है नोज़ल लोकल में, इसमें आपका मैट नोज़ल है, वुडन नोज़ल होती है, लेदर पाइप है, ओरिजिनल क्वालिटी माया पाइप की होगी। इसमें आपको सब कुछ ये पैकिंग आता है, माया की प्लेट देख सकते हैं, प्लेट भी आपकी हैवी है और माया प्रिंट हो रखा होता है, और इसमें आपको देखिए चिलम भी पूरी पैक होके आती है माया में, चिलम की रबड़ से लेके आप देखिए रबड़ की क्वालिटी देख सकते हैं, और ये आपकी चिलम, चिलम का पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं, सारे में सबके डिज़ाइन सेम और के कॉपी के, ओरिजिनल का चिलम का डिज़ाइन भी अलग है और माया का टैग लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं ये आपकी चिलम रबड़ हम नीचे यहाँ पे लगा देते हैं। और इसकी जो बेस की क्वालिटी आपको दिखाते हैं, बेस की क्वालिटी कुछ इस टाइप की होगी, पेटेंट नंबर बारकोड लगा हुआ है यहाँ पे, और ये आपका स्टैम के ऊपर माया प्रिंट हो रखा है। नोज़ल की क्वालिटी हैवी, इसकी देखिए नोज़ल भी छोटी है, ये भी चीज छोटी है, मतलब ओरिजिनल क्वालिटी में आपको सब कुछ दिया हुआ है, उसमें आपको बड़ा कर देते हैं। माया का पेटेंट नंबर 802 नंबर देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो 802 नंबर है माया का, लग्जरी हुक्का माना जाता है माया पिटाइट हुक्का, जिसका आपका पेंट कभी रिमूव नहीं होने वाला, लॉन्ग लास्टिंग हुक्का है,
सिर्फ आपको चेंज करने की ज़रूरत है तो इसकी पाइप को चेंज कर सकते हैं आप 6 महीने बाद, क्योंकि माया के पाइप्स के अंदर क्या होता है कि कालापन आ जाता है, टार आ जाता है, तो आप उसको दूर कर सकते हैं। इसमें आपको चिमटा मिलने वाला है, ये देखिए, किसी भी उके के अंदर, कॉपी के अंदर टोंग नहीं मिलता, चिमटा नहीं मिलता। आप उसको रिटेल प्राइस में क्या करते हैं, अलग से ख़रीद लेते हैं या दुकानदार उसमें डाल के आपको बेच देता है, बट उसमें आपको टोंग नहीं मिलता। ये आपको पूरा माया की अनबॉक्सिंग करके दिखाई है, इसका सेटअप करके आपको दिखाता हूँ मैं। ये इसकी प्लेट और ये इसका चिलम रबड़ यहाँ पे लग गया, ये देखिए, ये इसका टोंग और ये इसका पाइप, ये देखिए, सब कुछ आपको सेटअप करके दिखा दिया। इसकी क्वालिटी में दिन रात का फ़र्क होने वाला है। इसके बॉक्स को भी मैं नीचे रख देता हूँ और आपको चारों हुक के साथ में रख के दिखाता हूँ। ओरिजिनल, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी एंड ये थर्ड कॉपी, मतलब आपके 4 क्वालिटी के हुक के आपके सामने रख दिए। आपको सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा क्या क्या इसके बारे में, कॉपी में क्या फ़र्क है, सब कुछ लिख के दूंगा। आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, रीड अच्छे से कर सकते हैं और आपको क्वालिटी पूरी वीडियो में आप सुन सकते हैं कि क्या मैंने आपको क्या क्या बताया। पाइप की क्वालिटी की बात हुई थी, आपको एंड में दिखाना था। पाइप की क्वालिटी एक बार आप दोबारा से देख सकते हैं, ओरिजिनल की पाइप, ठीक है, एंड ये आपका सेकंड कॉपी, मतलब फर्स्ट कॉपी देख सकते हैं, एंड आपका ये सेकंड कॉपी का पाइप जिसकी लेंथ बड़ी हो गई है, क्वालिटी देख सकते हैं आप। और ये आपकी लास्ट आखिरी पाइप जिसकी बिल्कुल चीपेस्ट पाइप और रखी है, देख सकते हैं, पाइप में वजन भी नहीं है, लटक रहा है, जिसका आपका स्मोक आएगा ही नहीं। तो ये 4 पाइप हो चुकी हैं और 4 आपको हुक्के दिखाए मैंने माया पिटाइट के अनबॉक्सिंग करके। आप इनको, आपको कोई सा भी खरीदना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सबके प्राइजेस अलग अलग होने वाले हैं। जिसको भी मार्केट से ख़रीदना है वो ख़रीद के पहले चेक करिए कि वहाँ पे कि आपको ओरिजिनल मिल रहा है या डुप्लीकेट। पूरी वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ। और मैं आपको बताता हूँ, आजकल कोल चलती है शीशा 360 कंपनी की, कोकोनट कोल है, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी कोल यूज़ होती है। आप 2 कोल रखेंगे तो आपका मतलब आधे घंटे से 1 घंटे तक आपकी कोल जलती रहेगी, आपका हुक्के का फ्लेवर जल्दी जल जाएगा बट आपकी कोल ख़त्म नहीं होगी। तो कोकोनट कोल जो होती है वो हार्मफुल नहीं होती, उसमें केमिकल नहीं होता, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आता है कोल बर्नर, जिससे आप कोल जला सकते हैं, अलशान कंपनी का हॉट प्लेट के नाम से कोल बर्नर होने वाला है, इसको भी आप खरीद सकते हैं हमारे हुक्का गुरु से। ये डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिया जाएगा, कुछ भी ऑर्डर करना है ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होने वाली है। कैश ऑन डिलीवरी सर्विस भी अवेलेबल है, मतलब हाफ पेमेंट पहले हाफ पेमेंट बाद में आपकी घर बैठे डिलीवरी हो जाएगी 4 से 5 दिन में। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली हो, अगर आप दिल्ली बेस्ड में कहीं पे भी रहते हैं तो 2 से 3 घंटे में आपके पास डिलीवर हो जाएगा कोई सा भी हुक्का। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, साइड में चैनल बना आ रहा है, मतलब पेज का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हुक्का गुरु के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।